कुछ समय बाद जंगल फिर से शांत हो गया था, सब कुछ सामान्य हो गया था और जानवरों के जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक दिन जंगल के ऊपर आसमान में एक बड़ा बाज मंडराता हुआ दिखाई दिया। बाज को देखकर सभी छोटे पक्षी डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि बाज शिकार करने आया है। बाज आ गया, वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें कुछ करना होगा, वरना वह हम सबको पकड़ लेगा। तोता और टूनी चिड़िया ने यह खतरा भांप लिया और तुरंत एक योजना बनाने के लिए इकट्ठा हो गए। ये बाज बहुत खतरनाक है, हमें अपने छोटे पक्षियों की रक्षा करनी होगी। हाँ, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। बाज ताकतवर है, लेकिन अगर हम चालाकी से काम लें तो हम उसे हरा सकते हैं। सबसे पहले तोता और टूनी चिड़िया ने जंगल के सभी छोटे पक्षियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के सबसे घने हिस्से में छिपने का एक ठिकाना ढूंढा, जहां बड़े पेड़ और झाड़ियां थीं। यहां बाज नहीं आ सकता, हमें यहीं छिपकर उसका सामना करना होगा। हाँ, हम सब यहां सुरक्षित हैं। अब हमें मिलकर बाज को जंगल से भगाने की योजना बनानी होगी। टूनी चिड़िया और तोते ने जंगल के अन्य बड़े जानवरों से मदद ली। वे जानते थे कि बाज को सीधे लड़ाई में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मिलकर एक जाल बिछाने की योजना बनाई। हम बाज को धोखे से फंसाएंगे, जब वह शिकार करने आएगा तो हम उसे एक जाल में फंसा लेंगे। हाँ, हमें उसके शिकार के रास्ते में कुछ ऐसा करना होगा कि वह उलझ जाए और यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाए। तोते और टूनी चिड़िया ने जंगल के ऊंचे पेड़ों पर मजबूत बेलों से एक जाल बनाया। उन्होंने जानवरों की मदद से पेड़ों पर पत्थर और भारी लकड़ियां लटकाई, जो बाज के आने पर उसे गिराकर फंसा सकती थीं। अब हमें बस इंतजार करना है कि बाज यहां आए और फंस जाए। कुछ ही देर में बाज शिकार की तलाश में नीचे आ गया। उसने छोटे पक्षियों की आवाज सुनी और उस दिशा में उड़ान भरी जहां जाल तैयार था। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूं। लेकिन जैसे ही बाज नीचे आया, तोते ने जोर से एक आवाज लगाई। यह संकेत था कि सभी जानवर अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाएं। जैसे ही बाज ने हमला करने की कोशिश की, टूनी चिड़िया ने तेज उड़ान भरी और बाज का ध्यान भटकाया। तुम मुझसे बच नहीं सकती टूनी चिड़िया। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बाज टूनी चिड़िया के पीछे भागा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। वह जाल के पास पहुंच गया और अचानक पेड़ों से भारी लकड़ियां और पत्थर उस पर गिर गए। बाज बुरी तरह से फंस गया और उसकी उड़ान रुक गई। यह क्या हुआ, मैं फंस गया। फंसा हुआ बाज अब हिल भी नहीं पा रहा था। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए और बाज को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर किया। अब तुम यहाँ से जाओ, वरना हम तुम्हें और नहीं छोड़ेंगे। यह जंगल हमारा है और हम मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बाज ने अपनी हार मान ली और वादा किया कि वह अब कभी इस जंगल में नहीं लौटेगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम सभी बहुत चालाक हो। बाज ने अपने पंख फड़फड़ाए और जंगल से दूर उड़ गया। अब जंगल फिर से सुरक्षित था। हमने बाज को भगा दिया, अब हमारे छोटे पक्षी सुरक्षित हैं। हाँ, हमारी एकता और समझदारी ने हमें फिर से जीत दिलाई। सभी जानवर और पक्षी फिर से खुशहाल हो गए और मिलकर जश्न मनाने लगे। टूनी चिड़िया और तोते की समझदारी और बहादुरी के कारण जंगल के सभी पक्षी और जानवर एक बार फिर सुरक्षित थे। नैतिक शिक्षा साहस और समझदारी से किसी भी बड़े खतरे का सामना किया जा सकता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती।